राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो फाइनली चाय बन गई है, आप लोग प्लीज़ चाय पी लीजिए और आप भी प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ और बहुत ख़ास है मेरे लिए वो चीज़, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्योंकि मैं बातें शेयर करती हूँ खास करके अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं चाय सोच रही थी, मैं चने रखूँ कहाँ, फिर मैंने साइड में रखे चने और उसके बाद ना मैंने पिया चाय। आप लोग भी चाय पी लीजिएगा फ्रेंड प्लीज़। और यहाँ पे थोड़ा सा जो डेकोरेशन हुआ था दिवाली का, अभी वो हटा नहीं है। आज कम से कम हो गया है एक हफ्ते दिवाली बीते, बट अभी ये सब ऐसे लगा है घर में, तो निकल जाएगा एकादशी के बाद। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले चलिए दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को। कान्हा जी को सबसे पहले दर्शन करिए आप लोग। राधे राधे आप सभी को एक बार फिर से। लाइटिंग थोड़े बहुत यहाँ पे डेकोरेट हुआ था हल्का सा, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे, टिमटिमाता तारा हुआ। ये है मेरा रूम और यहाँ पे भी लगा था ये फूल फ्लावर वाला झालर, और यहाँ भी लगा था, मतलब ये सारी चीज़ें लगी थी। बाकी बाहर लाइटिंग वगैरह सब लगी थी, वो निकाल उठी है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर, और बाहर आने का रीज़न ये था कि मुझे हो गया है प्यार इस कड़ी पत्ते पेड़ से। मैं इसको देखने दिन में 3 से 4 बार देखने आती हूँ। सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे कड़ी पत्ता इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती, होता नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। अगर ये पेड़ मैंने लगाया, मेरे हस्बैंड ला के दिए, अगर लग जाएगा ना फ्रेंड, तो सच्ची बता रही हूँ मेरी सारी मेहनत ना सूल हो जाएगी, मैं बहुत 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 खुश हो जाऊँगी। तो बस इसी तरह से ना इसको आती हूँ 2 बार 3 बार, निहारती हूँ और चली जाती हूँ फिर घर में। तो गाइस, यहाँ पे है सनी का पेड़ जो कि मेरे ससुर जी लगाए हैं। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, मुझे आ रही थी यहाँ पे महारानी वाली फीलिंग, और उसके बाद थोड़े से मैंने वीडियो शूट किए। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक दूसरा भी शीशा है उसमें दिखाती हूँ। तो इस समय मैं हो गई हूँ थोड़ा सा मोटी और मेरा पेट निकल रहा है बाहर, पर मैंने उसको जल्दी से छुपाया फटाफट से। और यहाँ पे मिठाई रखी थी, एक खा लिया मैंने और एक बची है। तो फ्रेंड प्लीज़, अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए। दिन भर तो मैं सामान समेटती रहती हूँ, बट होता नहीं है ना कि बच्चे इधर उधर कर देते हैं, मेरे अलावा कोई इसको सही नहीं करता है, और मैं ही करती रहती हूँ और सब इधर उधर करते रहते हैं। और उसके बाद ये है मेरा चद्दर जो कि गंदा हो गया है, आज नया बिछाई हूँ, दूसरा हटाई हूँ। रूम का पोजीशन कुछ इस तरीके से, लिपस्टिक लेके बच्चे इसको ख़राब कर दिए हैं दीवार पूरा। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मूली का पराठा अपने हस्बैंड के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद मैंने लगाया पिक माता रानी का, जो कि मुझे माता रानी से बहुत 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 ज़्यादा लगाव है, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड, क्योंकि मेरा जो श्रद्धा है, मेरी जो भक्ति है, मेरा जो आस्था है, वो मेरी माँ है, मेरी माता रानी है। और अभी मैं संघर्ष कर रही हूँ कुछ चीज़ों का, जो कि देखती हूँ उसका निवारण कब निकलता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत अभी इस समय थोड़ा सा परेशान भी हूँ, लेकिन अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी हो जाएंगे। होता नहीं है कि कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है, क्योंकि ज़िंदगी है तो इसके अलावा कुछ और नहीं मिलना है। सुख आएगा कभी तो कभी दुख आएगा फ्रेंड, तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। और मैं हिम्मत हार नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बस होता नहीं है कि तकलीफ़ होता है, दुख होता है, बट सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि मुझे ना पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है, मेरी माता रानी सब कुछ अच्छा कर देंगी। और बाकी अच्छा, भगवान अगर चाहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंसान के चाहने से कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन जब हमारा भगवान हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है, पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है, और माता रानी हमेशा मेरी सहायता करती हैं, और एक उन्हीं के ऊपर विश्वास है मुझे। क्योंकि फ्रेंड, आजकल विश्वासघात तो सब लोग करते हैं, लेकिन विश्वास के लायक बहुत कम लोग होते हैं, और आपके अपने ही ऐसा काम कर देते हैं आपके साथ कि आपको यकीन नहीं होता। तो फ्रेंड, इसलिए विश्वास उस पर करो जहाँ से कभी टूटे ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना।